मीडिया की टीम पहुंची दुलाना हल्के मर दुलाना हल्के क्या क्या समस्या है और किस की किस प्रत्याशी कौन प्रत्याशी बढ़िया रहेगा, किस पार्टी का प्रत्याशी बढ़िया रहेगा जानेंगे हम। यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग और नौजवान साथी कुछ हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। तो कौन सा प्रत्याशी यहाँ से ठीक रहेगा? संदीप लोहान पटिया रहेगा जी। क्या कारण है? क्या कारण है? पटिया युवा नेता है। कौन पार्टी से वो? इससे भाजपा है। भाजपा है। और परमेंद्र डोल ने कुछ काम किया आपका गांव? कुछ नहीं किया, देख लो आंड फिर के कुछ नहीं कर रहा क्या। कहां से घुमा का जी? तो यहां पर क्या क्या काम नहीं हुए? या उन्होंने गोद तो ले लिया, गोद वाला काम तो कौन करे? उसने नहीं करया। नहीं करया। क्या कारण रहे? सारे कारण है काम, ये गड़े टूटी फूटी जाके जी। जी आपको आपके गाँव में कुछ विकास कार्य हुए? भाई साहब राम राम। तो आपके गांव में भाई साहब राम 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 भाई। अपने गांव में कुछ विकास कार्य हुए? इस गांव में विकास होया, फिर बहुत ढीला होया, पानी की समस्या नहीं रहेगी। वो जो पानी निकासी जो फल्ड निकासी हुई क्यों? सफाई होती नहीं, कम सफाई है, न्यू सफाई नहीं हो रही, जाकर देख सको। कहाँ सी? इस ड्रेन के ऊपर को। अच्छा, ये ड्रेन है जो? हाँ, जींद रोड पे। जींद रोड पे है, गड़वाड़ी जाए, इसकी सफाई नहीं हो रही कहीं भी। तो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव चंद दिन बाकी हैं, तो कौन सा प्रत्याशी ठीक रहे आपके? हमने तो काम करनी चाहिए, लोहान बताऊँ बढ़िया जवान नेता है। पंच और हैं जैसे समुन्द्र लाठर है, संजीव बुआना है, तो हमें खावांगे उस तरह कैंडिडेट पाओगा। अच्छा, हमने तो काम करनी चाहिए। यानी संदीप लुहाना आपके लिए अच्छा है? हमने अच्छा लग गया इसके विचार कई बार सुने। भाई साहब राम राम। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है यहाँ पर? जेजेपी, भाजपा और कांग्रेस, INLD में से? भाई साहब पार्टी के हिसाब से नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से वोट पड़ती है विधानसभा में। विधानसभा में कैंडिडेट के हिसाब से? तो कैंडिडेट आपका कौन अच्छा रहेगा? संदीप लोहान युवा नेता। भाजपा पार्टी से? और जेजेपी से? जेजेपी से नेता देखना पड़ता है कौन आया कौन नहीं। बाकी संदीप लोहान अगर यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार आता है, किसी भी प्रकार से आए, किसी भी पार्टी से आए, हम उसके लिए वोट देने तैयार। संदीप लोहान के हो आप? नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो अपने इस गांव में कुछ विकास करिए बताएंगे आप? बिल्कुल हुए हैं काम। क्या क्या काम सर? गलियां के हुए हैं मेन तो। हाँ जी। और तो जैसे और पीछे से हमारी टीम ने सर्वे किया था, जो आपका एक स्कूल है उसमें पानी भरा हुआ है, क्या वो समाधान हुआ? मैं इसी बात पे आ रहा था जी। जो गांव में मुख्य समस्या है ना, गंदे पानी की निकासी की है जी। ये ढोल साहब ने भी कोशिश कर ली, वो भी नहीं कर पाए। क्या कारण है ये नहीं मैं कह सकता, ये तो वो जाने, देखो वो अच्छे आदमी है, मैं उनकी बुराई भी नहीं कर सकता ढोल साहब की। हाँ हाँ, हम कब बोल रहे हैं आप बुराई करो? नहीं मैं भैया, आप ये मान के चलते हो भैया किसी भी व्यक्ति विशेष का सर्वे करते होंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सर व्यक्ति, हम व्यक्ति विशेष के नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि आपके गांव में सार्वजनिक विकास हुआ नहीं हुआ, और आगे आने वाले इस विधानसभा में किस पार्टी को और किस कैंडिडेट को आप अच्छा मतलब? मैं तो पुराना लोकदली हूँ, हमारा तो अलिया बंटाधार, हमारा तो हिसाब किताब रहा नहीं, तो सारी दुनिया बीजेपी के रुके मारे बीजेपी के। हाँ, तो एक तरह से लहर है बीजेपी की, बीजेपी का आया होगा। और संदीप लोहान बढ़िया लड़का बताया, और मारा तो वो ब्याह भी रखे बटे हुए हमारा, तो हम तो उससे बाहर जा नहीं सकते। हाँ बिल्कुल जी, हम तो उससे बाहर जा नहीं सकते जी। आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? देखो मैं अलग थोड़ा जाऊंगा गांव से, मतलब गांव बीजेपी के संदीप लोहान के साथ, जेजेपी के भी कुछ थे, कांग्रेस के, जेजेपी के अब भी है, अगर कोई अच्छा आदमी आएगा तो। कौन है अच्छा आदमी ऐसा जेजेपी? देखते हैं कौन आता है, तो आगे चेहरे को पता लगा कौन चेहरा अच्छा, कौन आता कौन नहीं आता। भाई बीजेपी तो एक ताऊ है, इनसे बात करेंगे। ताऊ जी किसको आप प्रत्याशी मान रहे हो और किसको वोट करोगे आप? बीजेपी को करेंगे। उसमें प्रत्याशी कौन अच्छा है? फिर भी कौन है? पांच छह नाम है, जैसे संदीप लोहाना, समुन्द्र लाठर है, और अपने विधायक हैं जो परमेंद्र डोल हैं, संजीव गुणा है, बीजेपी का एक वाला डाला है जो है, बीजेपी का देखो डरा आज हम उसके कर रहा है, कोई भी आओ बीजेपी का, कोई कोई भी आओ, हाँ तो उसके कर रहा है जी। तो तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ग्राउंड मीडिया के लिए, मैं जुलाना से रणबीर सिंह। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।